संजय राउत शिवसेना के ऐसे नेता हैं जो शिवसेना को छोड़ दूसरी पार्टियों के गम में डूबे रहते हैं। कभी उन्हें शरद पवार और एनसीपी की चिंता होती है तो कभी ममता बनर्जी की और कभी कांग्रेस की। इसी वजह से शरद पवार ने अपने तरीके से उन्हें एक बार फिर फटकार लगाई थी। लेकिन संजय राउत हैं कि सामना में वे अक्सर किसी न किसी पार्टी को लेकर अपना ज्ञान बांटते ही रहते हैं। संजय राउत इन दिनों कांग्रेस पर फिदा हैं और उनके निशाने पर ममता बनर्जी हैं। शिवसेना के मुख्य पत्र सामना के साप्ताहिक कॉलम रोक टोक में संजय राउत ने तृणमूल कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने गोवा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विरोधी रुख अख्तियार करने के लिए ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि उनका यह कदम भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होगा। शिवसेना ने यह भी आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गोवा में मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसों का जमकर इस्तेमाल कर रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि गोवा में कांग्रेस को जड़ से खत्म करने का संकल्प टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के लिए घातक साबित होगा। राउत ने लिखा है कि गोवा में कांग्रेस का अस्तित्व नहीं बचना चाहिए। ऐसी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, लेकिन भाजपा से लड़ने वाली ममता बनर्जी उसी कांग्रेस विरोधी रुख का समर्थन कर रही है। आखिर में इससे लाभ किसको होगा? उन्होंने कहा कि गोवा के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 17 विधायक थे, लेकिन अब 2 रह गए हैं। गोवा का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर है, लेकिन आम आदमी पार्टी और टीएमसी जैसी बाहरी राजनीतिक दल उनकी मदद करने के लिए कांग्रेस की राह में रोड़े अटका रहे हैं। गोवा में दोनों पार्टियों की नजर ईसाई वोटों पर है, लेकिन ये समुदाय कांग्रेस के साथ खड़ा रहेगा। भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के कुछ बागी अब पुरानी पार्टी में वापस आ गए हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि उन्हें भाजपा में टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसे गद्दारों से दूरी बनाने का फैसला किया है। राउत ने गोवा चुनाव में टीएमसी द्वारा खर्च किए बेहिसाब पैसों को लेकर भी सवाल उठाया है। उन्होंने दावा किया कि इसका स्रोत कहीं और है। शिवसेना सांसद ने भाजपा पर भी हमला करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों से यह पार्टी गोवा पर शासन कर रही है, लेकिन कभी भी बहुमत हासिल नहीं कर सकी। वह केवल चुनाव के बाद अन्य दलों के विधायकों को खरीदने में लिप्त रहती है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार भी सत्ताधारी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन टीएमसी की मौजूदगी भाजपा की मदद करेगी। बीजेपी विधायक राम कदम ने राउत ने कहा कि शिवसेना सांसद को गोवा और भाजपा के भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, इसके बजाय उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। शिवसेना जिस भी राज्य में चुनाव लड़ी उसमें एक भी सीट क्यों नहीं जीत पाई। उन्हें महाराष्ट्र में अपने शासन के बारे में चिंतित होना चाहिए, जहां उद्योगपतियों से पैसा इकट्ठा करने के लिए वसूली गिरोह सक्रिय है और जहां मेट्रो लाइन जैसे बुनियादी परियोजनाएं ठप पड़ी हैं। राम कदम ने कहा कि हम विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद शिवसेना को मिठाई भेंट कर गोवा में अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।